नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं केरन सामान्य ज्ञान के बारे में। तो केरन जो पब्लिकेशन की है वो बुक्स देख रहे हैं हम लोग, तो याद रखिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें बात करते हैं भारत का इतिहास, ठीक है। याद रखिए जितने भी हमारे इससे संबंधित लेक्चर बनेंगे सामान्य ज्ञान से, वो केरन सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट सूची में डले रहेंगे, ठीक है। भारत का इतिहास, इसमें प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल, फिर ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, किसके प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। याद रखिए प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें के लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्ण सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। फिर आद्य इतिहास काल, तो इतिहास काल का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, याद रखिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, लेकिन ये अपुष्ट हैं, अपूर्ण हैं, या ये उनकी गुड़ लिपि है जो गौण लिपि है जिसे समझना कठिन है। ऐसे काल को हम आग इतिहास काल कहते हैं। फिर है ऐतिहासिक काल, तो याद रखिए वो काल जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो याद रखना प्रागैतिहासिक काल क्या होगा, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आग ऐतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, इतिहास काल उसे कहते हैं जिसके साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और पढ़ा भी जा सकता है। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं। पुरापाषाण काल, आज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक। फिर मध्य पाषाण काल, इसी में 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। फिर होगा नवपाषाण काल, ये होगा 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग आग ऐतिहासिक काल में या उत्तर पाषाण काल में। तो इसमें बात करेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। फिर वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। फिर इसमें ऋग्वैदिक काल देखेंगे। वैदिक सभ्यता में इसका काल होगा पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। फिर बात करेंगे उत्तर वैदिक काल, तो इसे देखेंगे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। फिर आएंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, ऐतिहासिक काल देखेंगे, तो इसमें बात करेंगे हम लोग भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक, ठीक है। इसमें प्राचीन भारत में क्या क्या देखेंगे, महाजनपद काल 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व तक। फिर बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। फिर मौर्य साम्राज्य को देखेंगे 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। एवं संगम काल देखेंगे इसी समय चेर पांडव पांड चोल। फिर बात करेंगे मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल 184 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक। फिर गुप्त साम्राज्य देखेंगे 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। फिर बात करेंगे हर्षवर्धन काल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। फिर बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, तो इसमें बात करेंगे हम लोग पूर्व मध्यकालीन 8वीं से 13वीं शताब्दी। इसमें बात करेंगे हम लोग उत्तर भारत, उत्तर भारत में देखेंगे पाल सेन पितिहार राजपूत वंश को। इसमें बात करेंगे चौहान दिल्ली सल्तनत। फिर दक्कन को देखेंगे, इसमें चालुक एवं राष्ट्रकूट को देखेंगे। फिर बात करेंगे दक्षिण भारत के बारे में, तो इसमें चेर चोल पांडव पल्लवों के बारे में बात करेंगे। फिर उत्तर मध्यकालीन 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, तो इसमें बात करेंगे उत्तर भारत के बारे में, जिनमें बात करेंगे राजपूत दिल्ली सल्तनत मुगल संघ। फिर बात करेंगे दक्कन विजयनगर बहमनी
और मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। फिर बात करेंगे दक्षिण भारत के बारे में, तो इसमें देखेंगे पांड होयसल वंशों के बारे में, ठीक है। फिर बचा हमारा आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत में देखेंगे का इतिहास में 1707 ईस्वी से वर्तमान तक, ठीक है, वर्तमान काल तक इसे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है हमारा एक संक्षिप्त इतिहास का विवरण कि हम लोग देखेंगे क्या क्या, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग चैप्टर बढ़ाते हुए आगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है।